नमस्कार। श्रावण मास पूर्णिमा का जो पर्व है, इस पर अधिकांश लोगों की शंका बनी रहती है। कई पंचांग विशेषज्ञ से उन विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं, रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाए और किस किस तरह से मनाया जाए, क्या इसके विधि विधान हैं और किस समय पर ये मनाया जाए, इसकी रूपरेखा हम आपके समक्ष अगले 4-5 मिनट में करेंगे। सभी बुद्धिजीवी लोग आशा है बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है और इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो इस पेंच में फंसा हुआ है कि 31 को करें या 30 को। वास्तव में पहला पॉइंट ये है कि श्रावण 2 है और जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वो शुद्ध श्रावण मास में मनाए जाते हैं, यानी कि जो बाद का पक्ष होता है उसमें पर्व मनाए जाते हैं, और पहले कृष्ण पक्ष में और बाद वाले शुक्ल पक्ष में, और बीच का जो एक मास होता है मल मास, अधिक मास या जो भी पुरुषोत्तम मास कहा गया है, उसमें संक्रांति नहीं होती। बिना संक्रांति वाला जो मास है उसको मल मास, अधिक मास कहा गया है, उसमें कोई भी शुभ पर्व नहीं मनाया जाता, आयोजित नहीं होता। आइए, तो 30 तारीख को पूर्णिमा लगभग पूरे दिन रहेगी और सुबह लगभग 11 बजे आरंभ हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक पेंच ये है कि 11 बजे से, लगभग 11 बजे से भद्रा का काम शुरू हो जाएगा, भद्रा काल आरंभ होगी। भद्रा कौन है? यमराज की बहन है, शनि की बहन है। तो बहुत लोग तर्क देते हैं कि ये पुच्छ काल होता है, कहीं मुख काल होता है। भद्रा का मतलब भद्रा, सीधी बात। तो जब हमें कोई पर्व आयोजित करना है हम उसके लिए शुभ समय देखें। हर कन्या को, हर बहन को अपने भाई के रक्षा का वचन, रक्षा का संकल्प करते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। तो क्यों ना वो बहन, आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, बस सिर्फ आपको ये बात माननी है, पर्व तो आपको मनाना ही है। विश्वास ये करना है कि जिस समय को हम रिकमेंड कर रहे हैं, संस्तुति दे रहे हैं आपको और सुझा रहे हैं कि इस समय को आप ग्रहण कीजिए, तो आपको उसको ग्रहण करना चाहिए। यही समस्त समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यही शुभ रहेगा, यही शास्त्र सम्मत है। तो आइए शुरू करते हैं और सुनते हैं इस बात को। जब 11 बजे से और रात्रि लगभग 37 घड़ी और 33 पल, रात्रि 9 बजे तक भद्रा काल रहेगा, तो कौन बहन और कौन भाई राखी बांधने के लिए तैयार रहेगा? हाँ, रात को 9-9:15 बजे के बाद जो भाई रक्षाबंधन कराना चाहते हैं और समय का अभाव है, क्योंकि लोग, कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ दूसरे शहर में हैं, समय नहीं है, किसी को ट्रेन की दिक्कत है, किसी को जहाज की और किसी को नौकरी की, तो आप के लिए छूट ये है कि आप 30 तारीख को शाम के समय 9 बजे के बाद रक्षाबंधन बंधवा सकते हैं, रक्षा सूत्र। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगले दिन, क्योंकि उदयकालिक पूर्णिमा अगले दिन है 31 तारीख को, यद्यपि वो 2 घड़ी और 28 पल है, यानी कि 2.5 घड़ी, 1 घंटा मानो, यानी कि 7 बजे तक है। तो जिसको सुबह 7 बजे पुण्यकाल में बंधवानी है तो वो बंधवा सकता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है अगर उदयकालिक तिथि जो होती है, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है,
उसका पुण्य काल पूरे दिन माना जाता है। इसके अलावा अब आप तालियां बजाओगे इस बात पर कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सूत्र देने जा रहा हूं। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजे जया गुरु पूर्णिया पूर्णा सिद्धि योग का मंत्र है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुवार के दिन अगर पूर्णिमा उदय काल में पड़ जाए तो वो सिद्धि योग होता है। तो समस्त देशवासियों को ही नहीं अपितु पूरे विश्व से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप 31 तारीख को भद्रा रहित रक्षाबंधन का पर्व आयोजित करें। और भी अच्छा क्या होगा कि दोपहर के समय अगर आप अभिजित नक्षत्र में, अभिजित नक्षत्र कब आता है, दिन का जो आधा भाग होता है उसके 24 मिनट आगे और 24 मिनट पहले आप कोई भी काम करेंगे तो वो ऐसा काल होता है, ऐसा समय होता है जैसे सुदर्शन चक्र चलता है उंगली से छूटते ही भगवान कृष्ण का, और उसके सामने जो भी आता है, जो भी अशुभ वस्तु या संकट आता है उसको काट देता है। ठीक इसी प्रकार अभिजित मुहूर्त में जो भी आप कार्य करेंगे कभी असफल हो ही नहीं सकता। तो इस दौरान सब बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, उसकी मनोकामना करें कि मेरे भाई दीर्घायु हो। बहन भाई भोजन करें, मिष्ठान ग्रहण करें और इसके साथ साथ ये मंत्र पढ़ते हुए राखी बांधें, और राखी बांधते हुए पूरब दिशा की तरफ मुख करना चाहिए भाई को, और बहन का मुख उत्तर दिशा में हो सकता है या पश्चिम में। दक्षिण दिशा में ना बहन का मुंह हो और ना भाई का। मंत्र पढ़िए, तिलक लगाइए, और तिलक जब लगाए तो चावल कौन से हो, साबुत चावल, टूटा हुआ नहीं, उसका नाम है अक्षत, जो टूटा हुआ ना हो, लंबी आयु के लिए भाई के तिलक किया जाए माथे पर। और मंत्र पढ़िए, ये नवद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रति बदनामि रक्षे माचल माचल। यानी के जिस मंत्र से, जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधा और अपने पति को उनकी कैद से छुड़ाया था, बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल, इस मंत्र में इतनी शक्ति है। तेन त्वां प्रतिवदनामि, उसी से मैं आपको बांधती हूँ, रक्षे माचल, आपकी रक्षा हो हमेशा। इसके अलावा भद्रा रहित रक्षाबंधन करने से भाई दीर्घायु होगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा, बहन भाई का प्रेम बढ़ेगा। और इसके अलावा उन 12 राशियों के भाई और बहन दोनों के लिए क्या क्या शुभ होने वाला है ये आपको इतनी खुशी होगी सुनकर, याद रखोगे आप। आइए सुनते हैं। उस दिन सतभिषा नक्षत्र होगा और धनिष्ठा, इनके यानी के कुंभ राशि पर चंद्रमा होंगे, कुंभ राशि की जय जयकार होगी। और कुंभ राशि जब होती है तो पंचक रहते हैं, पंचक, तो ये पंचक इतने शुभ माने गए हैं, अगर लाभ देते हैं तो 5 गुना लाभ देते हैं। द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग बनाते हैं, ये द्विपुष्कर मैंने 2 और त्रिपुष्कर मैंने 3, 5, अपार। जब धन देते हैं तो बहुत अपार धन देते हैं, और जब धन लेते हैं तो 5 गुना नुकसान करके देते हैं। तो इसीलिए पंचकों में ज़्यादा शुभ भी माना गया है और अशुभ इसलिए है, 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पंचकों में ईंधन संग्रह, चारपाई या चौपाया खरीदना नहीं चाहिए, चाहे पशु हो, चाहे सोफा है, चाहे कार है, चाहे आपके चार पैर वाला कोई भी सामान है। दक्षिण दिशा की यात्रा करना मना है, और फ्यूल यानी कि ईंधन संग्रह करते हैं पहले गांव में,
जो उपले का एक वो बनाए जाते थे स्टोर, बिटोरा बोलते हैं उसको, वो उसके उसके लिए भी पंचक को अवॉइड किया जाता है। अगर पंचकों में किसी ने बिटोरा आयोजित किया है तो आप अजमाइए और लिख लीजिए इस बात को, वो उपले किसी दाह संस्कार में काम आएंगे। अगर ईंधन संग्रह किया है तो वो लकड़ियाँ शमशान में काम आएंगी, इसीलिए पंचकों को अवॉइड करते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभूत दृष्टांत है, जबकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मैं इसका प्रमाण हूँ, ये सच्चाई है। और बहुत से लोग जो विद्वान लोग हैं पंचकों में सिलेंडर भी नहीं खरीदते, लेकिन आज की तारीख में जिनके पाइप लगे हुए हैं गैस के, वो अलग मैटर हो गया, क्योंकि वो परमानेंट है, प्रवाहित हो रहा है। ईंधन संग्रह में सिलेंडर भी आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 12 राशियों के लिए, मेष राशि के लिए लाभ स्थान में चंद्रमा होंगे, अत्यंत शुभ रहने वाला है ये रक्षाबंधन। वृष राशि के लिए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा का, नौकरी का तरक्की देने वाला होगा। मिथुन के लिए भाग्य को उदय करने वाला, क्योंकि उस दिन भाग्य स्थान में चंद्रमा। और कर्क के लिए पेट का रोग, अशांति, चिड़चिड़ा स्वभाव, जल से खतरा और एंग्जाइटी, तनाव। सिंह के लिए दाम्पत्य जीवन को सुख देने वाला, भाग्य को चमकाने वाला, साझेदारों के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। कन्या के लिए बहुत शुभ, और कन्याओं के लिए, उन कन्याओं के लिए जिनकी कन्या राशि है उनके लिए विशेष शुभ। तुला राशि, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके लिए चारों तरफ से ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, धन धान्य, भूमि भवन वाहन, स्वर्ण रत्न आभूषण। तुला राशि वाले भाई बहन दोनों इतने खुश रहेंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए उस दिन यात्राएं, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की भागदौड़ होगी, लेकिन कार्य भी सिद्ध होंगे, पराक्रम बढ़ा रहेगा, हार नहीं मानेंगे। एक ही सड़क पर दो तीन बार चक्कर लगाना पड़ेगा। चौथी बात, ये अगर किसी यार दोस्त मित्र के साथ जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए अकेले यात्रा करें। धनु के लिए अपार शुभ लाभ, क्योंकि तीसरे भाव मकर के लिए और भी अच्छा धन स्थान में। धनु के लिए अत्यंत शुभ, मकर के लिए उससे भी अधिक शुभ, और कुंभ के लिए इसलिए शुभ होगा क्योंकि उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि पर चारों तरफ से सारे वरदान देगा। मीन राशि के लिए आकस्मिक क्रोध, अधिक खर्च और आव भगत करने में आप लगे रहेंगे अपने मेहमानों की, अधिक खर्चा होगा और अधिक एनर्जी वेस्ट होगी। अपनी जो ऊर्जा है उसको क्षीण होने से बचाएं, और आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, इसीलिए उद्वेलित ना हो, जल्दबाजी ना करें। सभी 12 राशियों के लिए यह रक्षाबंधन शुभ होगा, और भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रणाम।